दोस्तों मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन पहले हमें क्या क्या कर लेना चाहिए या व्रत रखने से पहले हमें कौन कौन सी तैयारियां जरूर कर लेनी चाहिए। ये बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और अगली चीज़ है कि हम व्रत के दौरान किन मंत्रों का जप करते रहें, पूजा करें तो फिर किन मंत्रों को जपते रहें, किस मंत्र से लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। और श्री कृष्ण जन्म की पूजा दोस्तों आप सभी को पता होती है, थोड़ी सी विशेष होती है क्योंकि आज के दिन हम लड्डू गोपाल जी का जन्म कराते हैं, इनका जन्मोत्सव मनाते हैं, तो आज के दिन की पूजा विशेष होती है। तो वो पूजा किस प्रकार करें और व्रत नहीं कर सकते हैं तो फिर पूजा करें या नहीं करें। जैसे दोस्तों देखिए, सबकी शारीरिक क्षमता जो है एक जैसी तो नहीं होती है। कोई निर्जला व्रत रखता है, कोई जल और फल लेकर के रहता है और कोई जो है कि व्रत रख ही नहीं पाता है, यानी बिना अनाज के उसका शरीर नहीं चल पाता है। तो उस स्थिति में आप लोग पूछ रहे हैं कि व्रत रहे या नहीं रहे, तो दोस्तों देखिए व्रत बिल्कुल रहना चाहिए। व्रत नहीं रह पा रहे हैं तो आपकी कोई शारीरिक कमजोरी होगी, तो उसमें आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। और देखिए हम सब भगवान के बच्चे हैं, कहीं किसी प्रकार का दोष पाप ये सारी चीज़ें आप मत सोचिए। अगर आपका शरीर ही काम नहीं कर रहा तो फिर आप व्रत मत रखिए, लेकिन व्रत नहीं रखना, पूजा नहीं करना ये अच्छी बात नहीं है। आप पूजा कीजिए, श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाइए बहुत अच्छी तरह से। बस आपको ध्यान यही देना है कि आप एक दिन पहले जिस तरह से मैंने बताया कि व्रतधारी लोगों को सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, उस तरह से आप भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, हल्का आहार लें और अपने जो दांत होते हैं उनको सुबह सुबह दातून से साफ करें। जो डेली हम लोग ब्रश करते हैं उस ब्रश से दांतों को ना साफ करें, तो ये कर लें। और आप भी इस दिन जो आहार है यानी बिल्कुल शुद्ध सात्विक आहार आप अनाज लें और उसके बाद आप श्री कृष्ण जन्म की पूजा करें, कहीं किसी प्रकार का दोष पाप नहीं लगता है, इसमें किसी प्रकार का संशय ना लें। और अगली चीज़ ये भी है दोस्तों कि देखिए किस मंत्र से पूजा करें। तो भगवान कृष्ण को एक मंत्र है जो बहुत प्रिय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इन मंत्रों को आप बोलते रहें, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इस तरह से भी बोलते रहें और बोलते हुए भगवान कृष्ण जी की पूजा करें। एक चीज़ और बताना चाहूँगी दोस्तों कि देखिए आप लोग व्रत रखते हैं, हम सभी लोग व्रत रखते हैं, पर व्रत में काम काज इतना ज़्यादा होता है, भगवान की तैयारियां होती हैं, उसमें हम भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं। तो दोस्तों देखिए व्रत रखना क्या है, सिर्फ व्रत रखना ये नहीं है कि हमने व्रत रखा और बिना जल के या बिना अनाज के तो फिर हमारा व्रत पूर्ण हो गया। दोस्तों व्रत में एक साधना होती है, एक साधना ये होती है कि हम प्रभु से अपने आप को कितना और नज़दीक कर पाते हैं। तो इसमें नज़दीकी प्रभु के साथ बढ़ाने के लिए या आपकी अगर कोई मनोकामना हो तो उसे पूर्ण करने के लिए आपको इतना ज़्यादा हो सके चलते फिरते कोई कार्य करते हुए आप प्रभु के मंत्रों का मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो राधे कृष्ण इस तरह से ही बोलते रहिए, पर नाम जरूर लेते रहिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे देखा जाता है कि काम और भाग दौड़ के बीच हम भगवान का नाम लेना जो है कम कर देते हैं। तो दोस्तों ये नहीं कहूँगी कि आप आसन लगा करके बैठ करके ही दिन भर प्रभु का नाम स्मरण कीजिए, आप जो भी काम करते हैं चलते फिरते आप भगवान का नाम लेते रहिए, इससे भी उनके नाम का जो पुण्य होगा वो फल आपको जरूर प्राप्त होगा। तो ये भी हो गया दोस्तों। और आप देख लीजिए कि श्री कृष्ण जन्म की पूजा किस प्रकार हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि नए लड्डू गोपाल अगर आप घर लाए हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि आम दिनों में लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा में 5 दिन लगते हैं। 5 दिन क्यों लगते हैं, तो देखिए 5 दिन हम उन्हें अनाज में और फलों में ढक करके फूल में रखते हैं। तो इस तरह से 5ों दिन तक अलग अलग जो पहले जो है कि चावल में रखते हैं और उनको लाल रेशमी कपड़े से ढक करके 1 दिन छोड़ देते हैं। अगले दिन फिर उन्हें किसी बर्तन में बिठा करके और फिर से उसमें गेहूं डालते हैं, मूंग की दाल डालते हैं, मतलब अलग अलग अनाज डालते हैं, उसके बाद फिर फल में उन्हें बिठाते हैं, उसके बाद फिर जो 5वां दिन होता है उस दिन हम उन्हें फूल में बिठाते हैं और उसी तरह से 1 दिन उन्हें रेशमी कपड़े जो बर्तन के ऊपर डाल करके छोड़ देते हैं और तब जा करके इस तरह से लड्डू गोपाल जी को अपने मंदिर में स्नान वगैरह करा करके जो पंचामृत स्नान होता है वो करा करके और लड्डू गोपाल जी को अपने मंदिर में बैठा देते हैं। तो उस तरह से हमारी मूर्ति जो है प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। पर दोस्तों आज जन्माष्टमी के दिन अगर आप मूर्ति को घर ला रहे हैं तो ये जो मैंने अभी बताया कि 5 दिन में होती है प्राण प्रतिष्ठा, उस तरह आप 1-1 घंटे में वो चीज़ें जो मैंने बताया
चावल ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, साबुत मूंग ले लीजिए, और उसके बाद आप ले लीजिए कोई फल जिसमें गोपाल जी को बिठा दीजिए, और फल के बाद आप फूल ले लीजिए, एक घंटे उन्हें फूल में रखने, यानी एक एक घंटे इन सारी चीज़ों में गोपाल जी को बैठा दीजिए, और कोई रेशमी कपड़ा उस कपड़े के ऊपर से ढक दीजिए, और तब निकाल करके आप उनकी पूजा कीजिए। तो इस तरह से आपके लड्डू गोपाल जी की पूजा हो जाती है। और दोस्तों एक चीज़ और आपके मन में आ रहा होगा कि अगर आपने पहले से श्री कृष्ण जी की फ़ोटो मूर्ति या लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे होंगे और अज्ञानता बस आपने भगवान को जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाया ब्राह्मण से या स्वयं से, तो फिर आपको लग रहा होगा कि आपकी पूजा पाठ सेवा जो है व्यर्थ जा रही होगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए मूर्ति या फोटो जो पूजा करते करते जागृत हो जाता है और उसमें भी प्रभु के साथ हमारा एक रिश्ता जुड़ जाता है और प्रभु का उस मूर्ति या फोटो में वास माना जाता है, तो उसमें निराश होने वाली बात नहीं है कि अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई तो फिर आपकी फ़ोटो या मूर्ति या लड्डू गोपाल जी में प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। धीरे धीरे पूजा पाठ और हमारे स्नेह के जरिए उसमें लड्डू गोपाल का या भगवान का वास हो जाता है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब दोस्तों देखिए श्री कृष्ण जन्म की पूजा जो है विशेष होती है। वैसे तो हम लोग सुबह से ही भगवान की पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, पर जब जन्म हो जाता है भगवान का यानी जन्म कराते हैं तो उस समय भगवान को हम, अगर आपके घर पहले से हैं तो भी लड्डू गोपाल जी और ये पूजा होती आई है तो आप ज़रूर जानते होंगे, फिर भी मैं बता रही हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें जानकारी नहीं है या जानकारी तो है लेकिन वो कुछ फिर भी वो पूरी तरह से नहीं जानते हैं, प्रश्न करते हैं, तो वो लोग जाने कि जब उनका जन्म होने वाला है मतलब जब संध्या पूजा आप समाप्त कर लेते हैं उसके बाद किसी फल में लड्डू गोपाल जी को बिठा दीजिए। किसी फल का अर्थ होता है कि चाहे आप तरबूज ले लीजिए उस और तरबूज को काट करके छोटा सा स्थान बना लीजिए, उसमें गोपाल जी को बैठा दीजिए। और जब या तो फिर आप खीरा ले लीजिए, खीरा सबसे अच्छा होता है, तो खीरा ले लीजिए, खीरा को काट करके उसमें गोपाल जी को बैठा दीजिए। और उसके बाद आप क्या कीजिए कि जब 12 बज जाए, श्री कृष्ण जन्म हो जाए, तो उसमें से उन्हें निकालिए। निकालने के लिए अगर कोई महिला निकालती हैं तो ये काफ़ी अच्छा होता है। वैसे तो मंदिरों में आमतौर पर देखा जाता है कि पुरुष लोग ही ये काम करते हैं, पर अगर घर में हो रहा है तो कोई स्त्री महिला निकालें और निकालने के बाद आप लोग उनके नाम के जयकारे लगाएं। जयकारा लगाने के बाद सबसे पहले सर्वप्रथम जो काम करना है वो उन्हें सादे जल से स्नान कराना है, जिन मंत्रों को मैंने बोला उन्हें जपते रहिए। उसके बाद उन्हें पंचामृत स्नान जरूर कराइए। पंचामृत स्नान कराने के बाद आप उन्हें फिर से सादे जल से स्नान कराइए। जल से स्नान कराने के बाद आप उन्हें अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। अच्छी तरह से पोंछ करके उन्हें रेशमी वस्त्र पहनाइए, माला पहनाइए फूलों की, और माला पहनाने के बाद आप उनका अच्छी तरह से श्रृंगार कीजिए, जो आपसे हो सकता है गोपी चंदन से, जो बिंदियाँ आती हैं चमकीली वाली उससे, जिस तरह से हो सकता है तो आप उनका बहुत अच्छे से श्रृंगार कीजिए, उन्हें भोग लगाइए और झूला झूलाइए, आरती कीजिए। ये सारी चीज़ें करके दोस्तों इस तरह से श्री कृष्ण जन्मोत्सव की पूजा होती है। और उसके बाद अगर आपको आ रहा है तो सोहर गाइए। सोहर का अर्थ होता है दोस्तों जो बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है उसे सोहर बोल जाता है, तो वो गाइए। नहीं आ रहा है तो श्री कृष्ण के भजन और मंत्रों का जप आप करते रहिए, इससे हमारी जो पूजा होती है वह पूर्ण हो जाती है। अब बारी आ रही है हमारे व्रत को तोड़ने की। तो दोस्तों जितनी पूजा पाठ धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार षोडशोपचार जिस प्रकार आपको पूजन करना है आपने कर लिया, अब उसके बाद आप भगवान के प्रसाद से ही अपना व्रत खोलेंगे, भगवान का प्रसाद मुँह में डालेंगे, उसके बाद जल ग्रहण करेंगे, तो इस तरह से आपका जो व्रत है वह खुल जाता है, आपका व्रत पूर्ण होता है। और जो भी आपकी मनोकामना हो वह व्रत खोलने से पहले बांके बिहारी से ज़रूर कहें कि हे भगवान, आप मैंने इस मनोकामना के लिए आपका व्रत रहा है, तो आप मेरी मनोकामना को जरूर पूर्ण कीजिए। और दोस्तों देखिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। ये मैं जो वीडियो है उसमें पहले जो इसके पहले जो वीडियो पड़ी है उसमें मैं बता चुकी हूँ, तो अगर आप नहीं जानते हैं कि संकल्प लेना क्यों ज़रूरी है, किस प्रकार लेना, तो आप वहाँ से ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों किसी बिना संकल्प के हमारा व्रत जो है वह पूर्ण नहीं होता है, तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिए। और इसी तरह से आप अपने जन्माष्टमी का व्रत पूजा और बहुत अच्छी तरह से जन्माष्टमी मनाइए। भगवान लड्डू गोपाल श्री कृष्ण जी बांके बिहारी हम सभी की जो इच्छा है वह पूरी करें, और जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान भी जरूर दें। तो दोस्तों इसी कामना के साथ उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।